जय प्रकाश जी, आपका बिग रिपोर्टर में स्वागत है। जैसे कि कोलकंडोली माता मंदिर को पहला दर्शन भी बोला जाता है, जो कि यात्री कटरा की ओर जाते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं, मान्यता यह है कि पहला दर्शन कोलकंडोली माता ही है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माता यहाँ कैसे प्रकट हुए और इनकी मान्यता क्या है, इस मंदिर की मान्यता क्या है? प्रिय भक्तों, सब भक्तों को वह सुनने व देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कोलकंडोली के दर पर, कहते हैं प्राचीन शिव की पहला दर्शन कोलकंडोली मंदिर नगरोटा, यहाँ से माँ शक्ति कैसे आई और कैसे प्रकट हुई। जहाँ पे कहा जाता कि जिस तरह हमारे सालों के वचन पास होते हैं, उसी तरह युगों के वचन पास हो रहे थे। उस टाइम ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे, नारद ने सवाल किया कि सबसे पापी कौन सा युग होगा, ब्रह्मा विष्णु को। मैंने कहा अगर बताएंगे तो तब भी मुश्किल है, नहीं बताएंगे तब भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि सबसे पापी युग होगा तो कल युग होगा। उन्होंने कहा क्यों होगा, किसलिए होगा? इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या नानी और दादी बनेगी, उसे बचाए किस तरह जाएंगे, एक मिलकर आप शक्ति को प्रकट करेंगे, आने वाले कलयुग में त्रिकुट पर्वत में भेजे जाएगा, भक्तजन उनकी वंदना से और पूजन से ग्रह शांत करेंगे, लंबी उम्र करेंगे, मनोकामना दिली इच्छा पूरी करेंगे। आप शक्ति को प्रकट किया, आप शक्ति ने पूछा मेरा काम क्या है। मेरे देवी, तुम्हें त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करनी होगी। उन्होंने कहा कब तक? जब तक अगला अवतार ना होगा, कलयुग खत्म ना होगा, तब तक तुम्हें तपस्या करनी होगी। ठीक है, और नमक या पत्थर में तुम्हें प्रकट होना होगा, पर उससे पहले एक नागराज गांव होगा, यहाँ शेर और बकरी ने कट्ठे पानी पिया होगा वहां पे। ठीक है, ऐसा था तेली केल बेचने जाया करते थे, आती बार क्यों नमक बाजरा ले आते थे, पहले कहते थे पढ़ो, अभी कहते हैं धर्मशाला। यहाँ पे पहुंचे, रात को ठहरे, सुबह शर्ट उठाने लगे तो शर्ट उठाई ना गई, उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। कि भक्तों जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन देवी जी, समान अपना नहीं व्यापारियों का, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? और चले जाते हैं, छट्टे रह जाती इधर, यहाँ पे तो छट्टे जब खोलते हैं हीरे जवाहरात निकलते हैं, वो ढूंढते हुए आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें हीरे जवाहरात में कर गई। वो देखते हैं सिर्फ नमक की शर्ट में मिलती है। प्रिय भक्तों, ये जो कथा है, जो कहानी है, ये जुगो जुगों की है, युग बदलते गए, युगों में चलती गई, होती गई, बहती गई, रहती गई। और उस टाइम पे माँ उस शर्ट से प्रकट होती थी, गेंद कोडियां खेलती थी, झूले झूलती थी, मगर किसी को पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ, गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव साथ में था, 7 लाख चेलों के साथ। जब गेंद कोंडिया माँ शक्ति महामाया 5 साल की खेल रही थी, तो माँ शक्ति महामाया को गुरु गोरखनाथ जी ने प्रणाम किया, नजर चुराते हुए भैरव देख रहा था। उसे कोंडी उठाने के बहाने माँ शक्ति ने गुरु गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया तो नजर जब चुरा के भैरव देख रहा था, उसके दिल में कामना हुई कि 4 लोग का मैं राजा हूँ, 5वीं शक्ति को पाला गया, मैं माँ तो अमर हो गया, मुझे मारने वाला कोई नहीं। मगर इस टाइम मैं प्रकट करता हूँ, ब्रह्मा विष्णु मुझे शाप दे के भस्म कर देंगे, मेरी 4 शक्तियां भिन्न कर देंगे। इतनी देर में क्या होता है, 12 साल का वनवास 1 साल का गया, बात हो जाता है पांडव गलियों के खाक शांत हो, जहां से 1.5 किलोमीटर दूरी रतौर गाँव है, वहां पे पहुंचते हैं तो कुंती माता कहती है कि बेटा मुझे शादी करने। बच्चे कहते हैं जी अचित है कि माँ हन होनी बात कर रही है। वहां से रवाना हुए, रास्ते में पहुंचते हैं तो माँ कहती है कि मुझे बेटा प्यास लगी। उनका माँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जो दूर दियार के लोग थे वो कहते हैं कि जो माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो वो क्या कर पाएगा। उस टाइम पर अर्जुन ने बाण मारा, 5 धारा निकली, वहां पीकर आगे चले गए। और नारद 12 साल की तपस्या कर रहा था, उसकी भक्ति पूरी होने के दिन ब्रह्मा विष्णु को कहा कि हे प्रभु, यहाँ पे 4 ताम बनने चाहिए, 4 तीर्थ। उन्होंने कहा अगर सोमवार की वापस आएगी तो जरूर बनेंगे, अगर नहीं आई तो नहीं बनेंगे। वो इंतजार करते रहे, नहीं आए वो सोमवार की वापस। अगर इतनी देर में ये देखना चाहते थे पांडव कि हमारी माँ के दिल में पापा जा, उस मट्टी में पापा, जिस मट्टी में माँ खड़ी थी, वहां से रवाना होते हैं, माँ को पूछते माँ शादी करनी, वो कहते बेटा ये तो भूल है, वापस दोबारा रतौर में आते हैं। तो माँ कहते हैं मुझे शादी करनी, युधिष्ठिर भीम को कहते हैं जी मिट्टी उठा ले चले। और साथ साथ जब माँ ने भोजन बना रहा था, भोजन बनाने वाली जगह में मिट्टी बिखराई गई, वहां पे गए और
माँ पानी लेने आई, भोजन बनाने लगी तो कहने लगी कि ये मुझे शादी करनी है। अर्जुन ने बांध मारा जमीन को, उसे उल्ट कर दिया, उसका प्रमाण अभी भी है। और प्रिय भक्तों, जब यहाँ पर माँ शक्ति जो प्रकट हुई थी नमक की छट से, नमक की छट से प्रकट हुई थी, और यहाँ पे जब पहुंचे तो वो निकलती थी प्रकट होती थी, समा जाती थी, प्रकट होती थी, समा जाती, गेंद कोटियां खेलती थी, झूले झूलती थी, भक्तों के साथ खेलती थी, मगर किसी को ये नहीं पता था कि माँ शक्ति महामाया है, अपरंपार अंबे मैया है। माँ एक दिन सपना देती है, जो मेरे दरबार में आएगा उसकी मनोकामना दिलीशिया पूरी होगी, काल सर्प जोग दूर होगा, विधि जोग दूर होगा, विद्या बुद्धि ज्ञान जश विजय कल्याण होगा। वो जहाँ पे आते हैं माँ को अपना हाल बताते हैं, माँ कहती है कि तुम्हें काल सर्प जोग चल रहा है और तुम मेरे भवन का निर्माण करो। 6 महीने हो जाते हैं, भवन नहीं बन पाता, एक दिन ऐसा होता है सपना देते हैं तो माँ को 5 पुत्र कुंती माता पांडु जी बताते हैं कि माँ हम दिन को 12 नहीं आते, रात को 12 आते हैं, तो भवन को किस तरह तैयार कर पाएंगे। उस टाइम 33 करोड़ देवताओं का एक शाता बना, शाते के नीचे ये सामने जो माँ का मंदिर है ये तैयार होना शुरू हो गया रात रात में। और भीम को प्यास लगी, भीम ने कहा माता मुझे प्यास लगी हुई है, क्योंकि जब प्यास के लिए कहा तो उन्होंने कहा चाह पानी की व्यवस्था नहीं, तो उस टाइम पे माँ ने चांदी का कोल प्रकट किया, उसे हिलाया तो वहाँ पे आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। माँ ने कहा कि जहाँ शक्ति हुई वहाँ शिव होंगे, जहाँ शिव होंगे वह शक्ति होगी, शक्ति शिव इंदूरी है, शिव शक्ति इंदूरी है, और माता जी का कोल प्रकट हुआ, हुआ प्रकट हुआ, जिसे हम सूटा बोलता चश्मा कहते हैं, बोली कहते हैं, वो प्रकट हुई। वहाँ से पानी पिलाया, दरवाजा लगने को बाकी था तो सूर्य निकलाया। ये हमारे 13 कोस एरिया की बात है, नागराज गांव, जो शेर बकरी ने जहाँ पे पानी पिया था और जहाँ पे शेर बकरी और कुत्ता यहाँ कट्ठे बैठते थे, खाना खाते थे, उनमें आपस में बैर नहीं था, क्योंकि ये जम्मू की वो धरती है नागराज गांव कि जहाँ पे 33 करोड़ देवता का वास है, जहाँ पर जम्मू ये जम्मू लोचन के नाम से मशहूर है। यहाँ पे प्रिय भक्तों, जब दूसरी बार बैरव आया अपने गुरुजी के साथ, उसने जोग माया तपोबल के साथ छोटे चेले को भूख लगाई, वो तिल मिलाता वो बोला गुरुजी भूख लगी है। उन्होंने कहा बेटा जहाँ घर मकान नहीं है, दूसरे ने कहा तो नहीं कहा, जब तीसरे कहा तो माँ शक्ति ने कहा कि गुरुजी मुझे आज्ञा दे मैं भोजन करवाती हूँ। उन्होंने कहा बेटा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था, उन्होंने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या तब बेटी माँ नहीं थी? उन्होंने कहा जैसी आज्ञा। माँ शक्ति महामाया ने चांदी का कोल प्रकट किया, 33 करोड़ देवताओं को भोजन करवाया इसी स्थान पर, 56 प्रकार का जो कि अभी भी चल रहा है, वो उसी तरह माँ ने भंडारा किया। जहाँ पे भैरव ने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा मेरा खाना ये नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा खाना ये ही है, माँ शक्ति महामाया ने कहा, तो उस टाइम पर शेर पे सवार हुई आगे शेर, शेर पे सवार हुई आगे हनुमान, पीछे लौकड़ा वीर, सहेलियों से फिर कहा कि मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने चांदी का कोल नहीं था तो उन्होंने कहा बर्तन नहीं, तो चौथी बार चांदी का कोल प्रकट किया, उसमें पानी पिलाया गया। उस टाइम पर नाम रखा गया पहला दर्शन कोल कंडोली, ये वो ही माँ वैष्णो है जो आगे देवामाई में है, बाण गंगा में है, अधकुआरी में है और भवन के अंदर बैठी हुई है, जे वो ही माँ शक्ति महामाया है। और प्रिय भक्तों, जातिवार जहाँ पे माया माँ महामायन कहा था माँ कोल कंडोली ने कि जिस तरह मैं इस रीत को निभा के जा रही हूँ, उसी तरह यहीं के पुरोहित, यहीं के पुजारी, यहीं के भक्त लोग अपनी अपनी मन धन से सेवा करेंगे, अपनी हर इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे। ये वो माँ शक्ति है जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सिर झुकाया है, कहा है कि तू 3 लोक की माँ है, यहाँ तुझे जग सारा जानेगा, क्योंकि यही माँ गौरी है, यही माँ काली है, यही माँ लक्ष्मी है, यही माँ सरस्वती है।
प्रिय भक्तों, उसी तरह जहां पर अश्रु और चेत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला होता है, जो कि इस टाइम पे जम्मू की सरकार के तरफ से हमारे यहाँ के नगरोटा कंडोली नगरोटा के MLA साहब जितेंद्र रैना के भाई यहाँ पे कमांड कर रहे हैं MLA की, जो कि हर तरफ से हमें हर चीज का साथ देते हैं। और जैसे पहला नराता होता है जरूर आते हैं, जैसे होली। पंडित जी, आप दविंदर सिंह राणा जी की बात कर रहे हैं? जी। दविंदर सिंह राणा जी वो हैं कि जो हर बच्चे से लेके बूढ़े तक अपने दिल के साथ लगा रखते हैं, और हम ये चाहेंगे माँ के आगे विनती करेंगे कि वो जम्मू के और से जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर जरूर बने। यहाँ पे अश्रु और चेत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला चलता है। पहले नवरात्रों को चंडी पाठ सोमपट लगा के सर्वबाधा विश्व स्वस्थ कल्याण हेतु समल्क लिया जाता है कि हे माँ, इनको जो भी भक्तों को चाहिए, जो तेरे चरण में आते हैं नहीं आते हैं, उनको स्वस्थ कल्याण कर, सदा स्वागन कर, परिवार को दीर्घायु कर, उनको बच्चों को बड़े बड़े अफसर बना। ये इसलिए किया जाता है सप्तमी अष्टमी नौमी और दसवीं को। पहले हवन कन्या पूजन और माँ का भंडारा, और लास्ट जो हवन होगा दुर्गा सप्तशती का, वो दसवीं को होता है। माँ के जोड़ के विनती करता हूँ आपके सबके आगे, कह रहे हैं कंचन सातन भी एक दिन ठुकराएगा, माँ का स्मरण कर ले माँ के लाल, जो 84 लाख गेड़ो जुनी से बचाएगा, हे त्रिलोकी की जटा में बसने वाली माँ मेरा सच्चा तह प्रणाम, मोक्ष ममृता तब प्राप्त होती है जो हरदम जपता है तेरा नाम, कहंदा रो रो के तू सुनाई दो, रो रो के मां तू सुनाई जा, जिन्हें पाई ओ कटेगी जदों कोजल कूक सुनाएगी, मानू तेरे लिए आएगी, कहंदा जय माता कोल कंडोलिए पवना पोलिए, गुड़ने मिठिए लुने लुनकिए, मायने कालिए पवने चेटिए, जय माँ पवना पोलिए। अब उसके करके और जरूर माँ कोल कंडोली मंदिर में आए।